नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबसे स्ट्रीट स्टाइल चना चाट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप बहुत ही जल्दी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँच सके। सबसे पहले हम भीगे हुए चने लेंगे और उसे प्रेशर कुकर में डाल देंगे। मैंने यहाँ पर एक कप चने लिए थे, जिसे मैंने रात भर पानी में भिगोकर रख दिया था। अब हमने एक कप चने में 1 लीटर पानी डालना है। डालेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच नमक और अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। अब हम चने को उबलने देंगे। सबसे पहले हमें इसे हाई फ्लेम पर 1 विसल आने तक उबलने देना है। 1 सीटी आने के बाद हम गैस को कम कर देंगे और 5 विसल आने देंगे। अब हम प्रेशर कुकर को खोलेंगे। हमने प्रेशर कुकर के प्रेशर को खुद ही निकलने दिया है। अब हम चनों को इस तरह से उंगली से दबाकर चेक करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, चने जो हैं अच्छे से उबल चुके हैं। अब हम चने और पानी को इस तरह से छान के अलग अलग कर लेंगे। अब हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे, डालेंगे उसमें उबले हुए चने, डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस, डालेंगे 1 बड़ा चम्मच इमली की चटनी, डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक। नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, तो उसी हिसाब से आप इसमें नमक डालिए। डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच देगी मिर्च, डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, साथ ही डालेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच अनारदाना। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो अनारदाने की जगह अमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज, डालेंगे 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, डालेंगे 1/4 कप उबले हुए आलू, डालेंगे 3 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ खीरा, डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 नींबू को हम इसमें इस तरह से निचोड़ कर डाल देंगे, डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप इसे हेल्दी बनाने के लिए इसमें अपने हिसाब से स्प्राउट्स या पनीर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे स्ट्रीट स्टाइल चना चाट बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। अब मैं यहाँ गार्निशिंग के लिए नवरत्न मिक्स का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो सेब का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा स्ट्रीट स्टाइल चना चाट बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जल्दी मैं आपको अपनी नई रेसिपी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।